एक है अपना लगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन, अपने सब दुख एक हैं, अपने सब सुख एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम एशिया विच ही गॉट इन 1913। I will put it other way around. रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला, पर उससे पहले एशिया में ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें नोबेल प्राइज की कोई आवश्यकता नहीं, जिनकी प्रतिभा को नोबेल प्राइज से नहीं आंका जा सकता, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी समय आने पर अपना नोबेल प्राइज वापस कर दिया। एशिया का मतलब उगता सूरज, यूरोप का मतलब ढलता सूरज। एशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम असु, असु मींस द राइजिंग सन, उगता सूरज। और इसी धरती ने श्री राम को जन्म दिया, इसी धरती ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, इसी धरती ने मीरा को जन्म दिया, इसी धरती ने सूरदास को जन्म दिया, इसी धरती ने कालिदास को जन्म दिया, इसी धरती ने पतंजलि को जन्म दिया, इसी धरती ने गौरव को जन्म दिया, और इसी धरती ने पैगंबर मोहम्मद को जन्म दिया, इसी धरती ने जीसस को जन्म दिया, और इसी धरती ने अब्राहम जो यहूदियों का गुरु था, मूसा जो यहूदियों का गुरु था, उसको जन्म दिया। औरों के पास गिनने के लिए नोबेल प्राइज विनर हो सकते हैं, पर उनके पास गिनती करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व नहीं हो सकते जिन्होंने इस धरती को एक नई दिशा दी। यू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट टैगोर रोट एंड व्हाट अदर्स इन द वेस्ट हैव रिटन। व्हेन देयर वाज अ पिक्चर शोइंग गांधीजी एंड टैगोर, व्हेन दे मेट, टैगोर ने अपने एक उपन्यास के बारे में गांधी जी से चर्चा करनी शुरू की, और अपने पात्र बता रहा है उपन्यास के, और गांधी जी को उस समय एक ही लोर है, गांधी जी की उस समय एक ही इच्छा है कि देश स्वाधीन कैसे हो। टैगोर की चिंता है अपना उपन्यास, गांधी की चिंता है अपना देश। टैगोर बार बार अपने पात्रों की, उपन्यास के पात्रों की चर्चा करते हैं, गांधी जी घूम फिर कर बार बार राजनीति पर आ जाते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आ जाते हैं, और बार बार इशू को बदलते हैं। जब चर्चा बदलने लगती है तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, गांधी जी लेट अस कम डाउन बैक टू रियलिटी, मीनिंग देयर बाय दैट ही वॉज सो इन्वॉल्व इन हिज राइटिंग्स दैट इवन द नॉवल्स, even the fictions appeared to him real. Why? Because he chose to depict reality in his fictions and novels. That is the difference. और इस व्यक्ति ने कभी परिस्थितियों की गणना नहीं की, कभी परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया अपनी राइटिंग्स में। इन्होंने हमेशा मन की स्थिति, मनस्थिति का वर्णन किया। टैगोर ने जब जब किया, you read his writings, जब जब किया मन की स्थिति का वर्णन किया, आसपास क्या है इसका उन्होंने कभी वर्णन नहीं किया। As he writes, he is depicting. Now you try to imagine what Tagore is. I'll give you one example. Tagore writes कि एक कमरे में एक व्यक्ति की डेथ हुई, a person dies. उस कमरे में एक उसकी वाइफ है, एक डॉक्टर है, एक रिपोर्टर है और एक फोटोग्राफर। उन दिनों में फोटोग्राफी कम होती थी तो पेंटर्स होते थे, वी कैन से चित्रकार। अब जिसका पति मरा है उसका अपना कुछ गया, क्योंकि जीवन के दोनों, एक जीवन के दो पहिए हैं, एक पहिया गया है, इसलिए
पत्नी की मनस्थिति है कि उसका जीवन आज के बाद इट विल बी टोटली डिफरेंट, लाइफ विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर द वाइफ, शी हैज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट एंड हर व्यू पॉइंट अराइजेस फ्रॉम द हार्ट. डॉक्टर हैज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट. डॉक्टर क्या सोच रहा है मरते आदमी का, कि शायद पता नहीं कौन सी दवाई काम नहीं की, शायद मेरा डायग्नोसिस गलत हो, शायद जो पिछली बार मैंने कोई किसी मरीज को मरते को दवाई दी थी शायद वो इस पे काम ना करे. मीनिंग देयर बाय कि डॉक्टर उस समय अपनी बुद्धि को यूज कर रहा है, अपने ब्रेन को यूज कर रहा है, ही इज नॉट यूजिंग हिज हार्ट. उसके लिए द डेथ इज ऑफ वन ऑफ हिज पेशेंट्स.